उपमंडल स्वारघाट की ग्राम पंचायत री के तहत पड़ने वाले प्राचीन काली माता मंदिर तियून में मां का स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम के साथ संपन्न हो गया। इस अवसर पर मंदिर के प्राचीन हवन कुंड में पूर्ण आहुति के साथ इसका विधिवत रूप से समापन किया गया। हर वर्ष मां काली का ये स्थापना दिवस फाल्गुन माह के 26 प्रविष्टि को स्थानीय लोगों के सहयोग से मनाया जाता है। स्थानीय लोगों के साथ साथ बाहर प्रदेशों से आने वाले श्रद्धालुओं भी इस दिन बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। इस अवसर पर पंडित योगराज का कहना था कि माता काली का स्थल बहुत ही अद्भुत और चमत्कारिक है तथा यहां आकर माता जी की पूजा अर्चना करके बहुत ही बल प्राप्त होता है। पुजारियों के अनुसार उनके पूर्वज बताते थे कि वर्ष 1963 में माँ काली इस टिब्बे पर विराजमान हुई थी। इस मौके पर मालपुड़े और खीर के भंडारे संग अन्य व्यंजन भी श्रद्धालुओं को परोसे गए। महाकाली मंदिर तियून में महाकाली माता का स्थापना दिवस मनाया गया। साथ में ही पिछले दिन शिवरात्रि का त्यौहार भी मनाया गया। सन 1963 को माता काली की स्थापना हुई थी, जो कि हर वर्ष 26 फागुन मास को मनाया जाता है, जो कि देसी माह के हिसाब से मनाया जाता है। तो आज भी माता का पूजा पाठ और हमन वगैरह करवा के माता का झंडा चढ़ा के तथा भोग लगा के भंडारे का आयोजन किया गया है और धूमधाम से मनाया गया। या स्थापना दिवस हर वर्ष इसी तरह मनाया जाता है। तो भंडारा चालू है, सभी को भंडारे का निमंत्रण है। हमारा महाकाली माता मंदिर का जो है हर वर्ष जो बुजुर्गों के अनुसार जो है वो फागुन महीने के 26 प्रविष्टि को मनाया जाता है, जो कि हमारे मार्च महीने में आता है। वह आज हमने महामाई के दरबार में भंडारे का भी आयोजन किया गया है और लोगों जो भी बाहर से लोग काफ़ी इसके लिए सहयोग करते हैं और ये पर्व हमारा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जिसको उपलक्ष्य में आज भंडारे का भी आयोजन किया गया है। सर हमें तो ये बुजुर्गों के ने हमें तो इस चीज़ के लिए बताया था कि 1963 में जो है इसका जो स्थापना रखी गई थी और उसी के आधार पर हम जो है इस पर्व को मनाते हैं हर वर्ष।